किसी विषय संबंधित विचारों व भावों को कम से कम शब्दों में लिखना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। अनुच्छेद अपने आप में पूर्ण होता है। अनुच्छेद लिखते समय निम्नलिखित बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। यह 80 से 100 शब्दों में लिखा जाना चाहिए। सबसे पहले अपने विचारों को क्रम दीजिए। वाक्य छोटे व एक दूसरे से जुड़े हुए हों। अनुच्छेद का आरंभ सीधे विषय से कीजिए। भाषा सरल, स्पष्ट व रोचक हो। एक ही बात को बार बार न दोहराएं। किसी सूक्ति या कथन का प्रयोग कर सको तो अच्छा होगा। अनुच्छेद संक्षिप्त व प्रभावशाली हो। आइए कुछ अनुच्छेद पढ़ते और समझते हैं। स्वास्थ्य ही जीवन है। भूख के अनुसार भोजन, निर्मल जल, साफ हवा और धूप, इनको पाकर मनुष्य का शरीर स्वस्थ रहता है। यदि तुम्हारी कलम की नोक टूटी हुई है तो तुम उससे लिख नहीं सकते। इसी तरह यदि तुम्हारा शरीर चुस्त, तेज और फुर्तीला नहीं है तो तुम ठीक तरह से काम नहीं कर सकते। तुम खूब अच्छा काम करना जानते हो, पर यदि तुम्हारा शरीर ही ना चलता हो तो तुम काम क्या करोगे। इसलिए शरीर को हर समय स्वस्थ और चुस्त रखो। दुबला, थका हारा या रोगी शरीर काम नहीं कर सकता। काम करने के लिए निरोग और बलवान शरीर की आवश्यकता होती है। इसलिए अपने शरीर को निरोग और बलवान बनाओ। जिन बातों से तुम्हारे शरीर की ताकत घटती हो उन्हें छोड़ दो। अधिक खाना, अधिक सोना, अधिक बोलना आदि से शरीर की शक्ति कम होती है। तुम्हें अपने शरीर की सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए। सफाई का ध्यान न रखने पर तुम्हारा स्वास्थ्य बिगड़ जाता है और जीवन नरक बन जाता है। 2. भारतीय किसान। भारत कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश होने के कारण यहाँ के अधिक व्यक्ति किसान हैं। विश्व के सभी राष्ट्रों में भारतीय किसान की पहचान अलग और अद्भुत है। भारतीय किसान तप और त्याग की प्रतिमूर्ति है। वह कठोर साधना का प्रतीक है। वह सच्चाई और सादगी का जीता जागता रूप है। वह आत्मविश्वास और अटूट निष्ठा में जीवन जीता है। वह कर्मनिष्ठ और श्रमनिष्ठ है। कृषि के साथ किसान का अटूट संबंध होता है। अपनी एक एक इच्छा की पूर्ति इसी से करते हुए वह अपना जीवन निर्वाह करता है। यूं तो भारतीय किसान की स्थिति दुर्दशाग्रस्त है। उसे समुचित कृषि साधन प्राप्त नहीं है। वह अभावों में अपना जीवन जीता है। विश्व में उभरती हुई शक्ति कहा जाने वाला भारत अंदर से कितना खोखला है। आज वर्तमान सरकार को भारतीय किसान के महत्व को समझते हुए उसके जीवन स्तर को उठाने हेतु कार्य करना होगा।